आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, सेफ शॉप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और सेफ शॉप मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से, हमारे और आपके डिमांड के हिसाब से अपनी प्रोडक्ट गैलरी में ढेर सारा बदलाव करती रहती है। उसी तरह से जो सेफ शॉप का जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, वह भी जिसे सिद्धार्थ सागर सर जो है डील करते हैं, इसे देखते हैं, उसमें भी ढेर सारा लगातार प्रयोग होता रहता है, लगातार उसमें भी रिसर्च होता रहता है। तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन बहुत ही गुड न्यूज़ है और इसके लिए हम सभी लोग सेफ शॉप के जो मैनेजमेंट है उसे धन्यवाद देते हैं, सेफ शॉप के जो डायरेक्टर्स हैं उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, आज सेफ शॉप में एक ऐसा टेक्निक लेकर के आए हैं जो इतना ज़्यादा लाजवाब और कारगर साबित होगा आने वाले समय में कि यहाँ पर बैठा व्यक्ति, यानी कि नोएडा में बैठा व्यक्ति, कोलकाता में लोगों को ज्वाइन करा सकता है बिना वहाँ पर गए। तो क्या पूरी इन्फॉर्मेशन है और किस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे टेक्निकल डिपार्टमेंट में चेंजेस आए हुए हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी हम लेंगे नेक्स्ट आगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ और जानते हैं पूरे प्रोसेस को। दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के इस ट्यूटोरियल में। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि भारत में सबसे ज़्यादा तेज़ी से संक्रमण फैल रहा है और उस संक्रमण का नाम है आई फ्लू। आई फ्लू होने के क्या लक्षण हैं और क्या उससे बचने के उपाय हैं, ये सब कुछ मैंने इस ट्यूटोरियल में जो है कवर किया हुआ है। इसे आप देख करके खुद भी अवेयर हो सकते हैं और टीम को भी अवेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि सेफ शॉप का जो डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी है, तो डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी सेफ शॉप का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है डिपार्टमेंट है और इसके जो डायरेक्टर्स हैं, इसे जो देखते हैं, वो सिद्धार्थ सहगल जी हैं। आप सभी लोग सिद्धार्थ सहगल सर को जानते हैं। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि पहले या आम तौर पे अगर लोगों को ज्वाइन कराना होता है, शॉपिंग करानी होती है, तो हम उनके घर पर जाते हैं, उनसे पैन कार्ड आधार कार्ड लेते हैं और लेने के बाद से उनका सेफ शॉप का जो वेब पोर्टल है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते हैं। और दूसरा तरीका यह होता है, उन्हें अपनी जगह पर बुला लेते हैं और वहाँ पर भी हम क्या करते हैं कि उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं, लॉग आईडी पासवर्ड खोल करके उनकी आईडी रिप्लेस करते हैं, प्लेस करते हैं लेफ्ट में या राइट में। लेकिन दोस्तों, जो नया ट्रेंड, अभी नया जो नियम है, जो नया टेक्नोलॉजी ऑफ टेक्नोलॉजी आई हुई है सेफ शॉप में, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ने एक लिंक को प्रोवाइड किया है। लिंक को कह सकते हैं, यूआरएल को जो है एक लॉन्च किया हुआ है। हर आदमी का, यानी कि हर एसोसिएट का अपना एक आईडी होता है, एक पासवर्ड होता है, ये आप भी जानते हैं। तो हर उस व्यक्ति का जिसका आईडी और पासवर्ड है, आईडी एक्टिव है, उस व्यक्ति का एक अपना यूआरएल होता है। यूआरएल का मतलब ये होता है कि उसको टच करने के बाद से व्यक्ति के बारे में सब कुछ आप जान सकते हैं, ठीक है, या जो कुछ भी करते हैं वो उस व्यक्ति को फ़ायदा और नुकसान होता है। तो इस यूआरएल के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को आप वो लिंक या यूआरएल भेज करके आप उसे अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा सकते हैं। यानी कि अगर मेरे पास मेरी आईडी का यूआरएल है और मैं कोलकाता में, नोएडा में हूँ, और कोलकाता में अगर किसी व्यक्ति को मुझे ज्वाइन कराना है, तो वो जो यूआरएल है उसे मैं डायरेक्ट उसके व्हाट्सएप पर भेज सकता हूँ और वह व्यक्ति जो है अगर मुझे उस यूआरएल को टच करता है तो मेरी आईडी के नीचे वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। सेम वैसे ही रजिस्ट्रेशन करना होता है जैसे रजिस्ट्रेशन हम और आप करते हैं किसी नए एसोसिएट का, किसी नए प्रोस्पेक्ट का। तो इस तरह से उसमें नाम और पता, उसमें भी फादर का नाम, नॉमिनी का नाम, सारी चीज़ें, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसमें भी बैंक डिटेल, सारी चीज़ें भरनी रहती हैं। भर करके आप उस व्यक्ति को गाइड करेंगे। शर्त यही है कि जो भेजने वाला व्यक्ति, यूआरएल भेजने वाला व्यक्ति है, उस व्यक्ति को इजी प्रोसेस पता होना चाहिए कि किसके बाद क्या आता है, क्या आता है, कैसे कैसे आप शॉपिंग करा सकते हैं, कैसे कैसे आप उसे पेमेंट करा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप फ़ोन से उसे गाइड कर देंगे और वह व्यक्ति वहाँ बैठे बैठे अपने ऑफिस में, अपने घर पे, अपने लैपटॉप से, अपने मोबाइल से उसका अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है, अपना शॉपिंग कर सकता है। ये फ़ायदा हो गया, बिना गए आप उस व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन उन्हीं से करा सकते हैं, ये चीज़ हो गई। इस ट्यूटोरियल में बने रहिए, मैं आप लोग को अपने मोबाइल स्क्रीन पे ले चल करके दिखाता हूँ कि इसे कैसे आप देख सकते हैं अपने वेब पोर्टल पे, अपने होम पेज पे। तो सबसे पहले मैं आप लोग को अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे ले चलता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे ये मेरे मोबाइल का होम स्क्रीन है। और जैसे ही आप जानते ही हैं कि मैं क्रोम से नहीं लॉगिन करता हूं, मैं गूगल से लॉगिन करता हूं, तो यहां पे आप देख सकते हैं ये मेरा गूगल है। और गूगल पे जाने के बाद से हम लिखते हैं SAFE स्पेस SHOP सेफ शॉप, और उसके बाद से जैसे ही हम सेफ शॉप लिखते हैं, सर्च करते हैं, एंटर कर देते हैं, तो यहां पर इस तरह की इन्फॉर्मेशन आ जाती है इस तरह से। और यहां पे देखिए, यहां पे लिखा हुआ है, कुछ ऑप्शन आते हैं।
जैसे कि शेप शॉप लिखा हुआ है, ऑल प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है, अबाउट अस लिखा हुआ है। तो हमें शेप शॉप पे जो नीली नीले रंग का जो शेप शॉप लिखा हुआ है, इस पर आपको क्या करना है, अमूमन इस पर टच कर देना है। जैसे ही आप इसे टच कर देंगे तो ये इस तरह से आपका इंटरफेस आ जाएगा और ये शेप शॉप का होम पेज है, शेप शॉप का वेब पेज है, आप ऐसे कह सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो जब इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा तो दाएं साइड में देखिए सिर और शरीर का सिंबल दिखाई दे रहा है। सिर और शरीर का जो सिंबल दिखाई दे रहा है, इसे आपको टच कर देना है। जैसे ही आप इसे टच कर देंगे तो आपको इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा लॉगिन आईडी पासवर्ड का। आप भी जानते ही हैं कि गोल्ड एंड अबव से अगर आप ऊपर हैं तो पासवर्ड रिक्वायर्ड है, नहीं तो पासवर्ड रिक्वायर्ड नहीं। अगर आप फ्रेशर हैं, ब्रॉन्ज है, प्लेटिनम है, तो मैं ये ट्यूटोरियल उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो आप ऐसे देखें तो यहाँ पे अपनी लॉगिन आईडी डालना है, आपको पासवर्ड डालना है और यहाँ पे आपको लॉगिन कर देना है। जैसे ही आप इसमें लॉगिन करेंगे तो आपको इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा, ये लॉगिन सक्सेस का जो ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, ये इसका मतलब ये है कि आप अपने जो आपका जो अपना होम पेज है, यानी कि सेफ शॉप का तो वो वेब पेज है ही, आपने जब अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल दिया तो ये आपका जो अकाउंट है सेफ शॉप के वेब पोर्टल पे, ये आपका अकाउंट खुल गया। और यहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर भी सिर और शरीर का एक सिंबल आपके मोबाइल स्क्रीन के दाएं तरफ दिखाई दे रहा है, इसको आपको टच करना है। जैसे ही आप इसे टच करेंगे तो आपको ये भाई साहब की जैसा एक आपको सिंबल दिखाई देगा। अगर आप मेल हैं तो ये भाई साहब दिखाई देंगे और अगर आप फीमेल हैं तो आपको यहाँ पे एक महिला दिखाई देंगी। अब यहाँ पर आप अपना लॉगिन आईडी देख सकते हैं, यहाँ पे अपना एड्रेस देख सकते हैं, मोबाइल नंबर देख सकते हैं और नीचे से ऊपर की तरफ जब ले जाएंगे तो अपना लेवल देख सकते हैं, आप अपना रैंक देख सकते हैं, आप अपना मोबाइल नंबर देख सकते हैं, सारी चीज़ें। थोड़ा सा और नीचे जब ले जाएंगे तो यहाँ पर नोटिस का ऑप्शन आएगा कि अगर आपके पास कूपन है तो आप उसे रिडीम करा लीजिए। उसके बाद से एक शब्द लिखा आएगा योर साइट URL, यानी कि आपकी साइट का URL, ठीक है। और इसके नीचे नीले पट्टी में लिखा होगा, आप देख सकते हैं https://www.safeshopindia.com और इसके बाद से साइनअप वगैरह जो कुछ भी है। तो इसे क्या करना है, आपको टच कर देना है। जैसे ही आप इसे टच करेंगे और प्रेस करेंगे, टच और प्रेस में अंतर ही होता है, टच ऐसे किया जाता है, प्रेस ऐसे किया जाता है। तो प्रेस जब करेंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कॉपी का, ठीक है। तो कॉपी करके आप उस व्यक्ति के व्हाट्सएप पे जा करके भेज देंगे, जैसे आप मैसेज भेजते हैं, ठीक है, उसके पास पहुँच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि प्लीज़ कॉपी दिस लिंक एंड सेंड दिस टू योर प्रोस्पेक्टिव DS या कस्टमर, ठीक है। तो इसे आप उसे भेज देंगे, वह व्यक्ति जब इसे टच करेगा, जैसे ही इसे छुएगा वो पूरा शीट खुल जाएगा और शीट खुलने के बाद से वहाँ पे अपना फुल नाम पता, अपना फादर नेम, अपना जो भी है फुल फिल करेगा सारा डिटेल, और डिटेल फिल करने के बाद से सारा कुछ वही आएगा प्रोसेस जो आप अपना खोल करके सारा चीज़ भरते हैं। और वहाँ पे प्रोडक्ट का ऑप्शन भी आएगा, वो प्रोडक्ट शॉपिंग भी करेंगे, पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट करेंगे और सारी चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ पे एक सवाल आता है कि सर राइट में लेफ्ट में कैसे प्लेस करेगा, उसे तो कुछ पता ही नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि वही आईडी आप लोग दीजिएगा जहाँ पे आपको आईडी लगवानी है, जहाँ की लेफ्ट या राइट में आईडी लगवानी है, ठीक है। आप अपनी आईडी दे देंगे तो दिक्कत ये हो जाएगी कि आपकी आईडी के नीचे कहाँ वो प्लेस होगी आपको खुद नहीं पता, उसे खुद नहीं पता, कहीं भी प्लेस हो जाएगी। लेकिन अगर आप जो आईडी देंगे, सबसे नीचे की आईडी दीजिए, और सबसे नीचे की आईडी जब आप उसे देंगे तो लेफ्ट में अगर जगह खाली है तो लेफ्ट में सबसे पहले होता है, और अगर लेफ्ट में पहले से फुलफिल है तो राइट में हो जाना तय है। तो ये चीज़ है, इसमें ऑटोमेटिक वो ले लेगा। तो ये चीज़ मैंने आप लोग को बताना सही समझा, ट्यूटोरियल आप लोग को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। एक चीज़ और मैं बताना भूल गया इसके बारे में कि इस तरह की सुविधा, यानी कि अपने लिंक को किसी को भेज करके या अपने URL को भेज करके ज्वाइन कराना केवल और केवल, ठीक है, एक हफ्ते में एक बार एक आदमी को मौका मिलता है, दो बार नहीं मिल पाएगा, तीन बार नहीं मिल पाएगा। दोस्तों एक अपील मैं आप लोगों से ज़रूर करना चाहूँगा कि अगर आप लोग इस प्लेटफॉर्म पर हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने मेरा फेसबुक पेज DS मानवेंद्र सेफ शॉप जाके फॉलो नहीं किया है तो आप उसे प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो मैं YouTube पे जो है अपलोड नहीं कर सकता, लेकिन Facebook पे आप वो जानकारी ले सकते हैं, जैसे किसी का मोबाइल नंबर, किसी का रेजिडेंशियल एड्रेस, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है YouTube पे बैन होती हैं, तो आप उसे जाके फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं सेफ शॉप से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ। आप सभी लोगों ने अपना बेशकीमती समय दिया इस ट्यूटोरियल को वॉच करने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों,
नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो।